हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि आप अपने लाइफ की सिचुएशन को कैसे बेहतर कर सकते हैं। अपनी लाइफ में ज़्यादा प्यार, ज़्यादा इंटीमेसी, ज़्यादा धन, ज़्यादा खुशी, और अपनी किसी भी तरह की अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज़ करके, अपने माइंड पावर का यूज़ करके, अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर का यूज़ करके कैसे अपने लाइफ की सिचुएशन को अपने डिजायर्ड सिचुएशन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। मैं विवेक राठौर, ऑथर एंड न्यूरोसाइकोलॉजी एक्सपर्ट। चलिए शुरू करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं डिटेल में लॉ ऑफ अट्रैक्शन की। इस वीडियो को देखने के बाद आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे कोई कुछ और देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको पूरी क्लैरिटी मिल जाएगी कि ये क्या है, कैसे इसको हम लोग यूज़ करके अपनी लाइफ को बेहतर कर सकते हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे कि क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है, क्या ये हमेशा वर्क करता है, डज इट वर्क ऑलवेज, और क्या केवल लॉ ऑफ अट्रैक्शन सीख के अपनी सभी विशेष को मैनिफेस्ट किया जा सकता है, क्या केवल लॉ ऑफ अट्रैक्शन सफिशियंट है। फिर हम बात करेंगे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक्चुअली है क्या, ये कौन सा नियम है, और लास्ट में हम लोग समझेंगे कि इसको अपने डे टू डे बेसिस में यूज़ करके अपनी डीपेस्ट डिज़ायर को कैसे पूरा करें, कैसे अपनी लाइफ की सिचुएशन को बेहतर करें लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज़ करके। सबसे पहले हम पहले क्वेश्चन को समझते हैं कि क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है। इसका सीधा सा आंसर है कि हाँ, अगर आप सही तरीके से इसको यूज़ करेंगे, इसका जहाँ यूज़ है वहाँ यूज़ करेंगे, सही तरीके से यूज़ करेंगे, तो ये डेफिनेटली वर्क करता है, विदाउट एनी डाउट वर्क करता है। क्वेश्चन नंबर टू, क्या ये हमेशा काम करता है, क्या ये सेम तरीके से हमेशा काम करता है। इसका आंसर ये है कि अगर आप जो मैनिफेस्टेशन की साइंस है, उसके कई एलिमेंट्स होते हैं, कई एस्पेक्ट्स होते हैं, कई टूल्स होते हैं, अगर आप सारे को समझ के लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज़ करेंगे तो हाँ, ये हमेशा काम करता है। लेकिन हम में से ज़्यादातर लोग का ये अनुभव है कि हमेशा ये काम नहीं करता है। तो ये हमेशा काम इसलिए नहीं करता है क्योंकि हमारे ब्रेन के और भी कई फैक्टर्स होते हैं, मैनिफेस्टेशन के और भी कई फैक्टर्स होते हैं। तो जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन बाकी फैक्टर सपोर्ट करते हैं तो रिजल्ट आ जाता है, जब हम लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ कर रहे हैं बाकी फैक्टर सपोर्ट नहीं करते तो रिजल्ट नहीं आता है। बाकी फैक्टर्स को डिटेल में समझने के लिए हम लोग और वीडियो बनाते रहते हैं, तो उसमें आप सारे को देख के आप समझ सकते हैं कि और क्या क्या फैक्टर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या केवल लॉ ऑफ अट्रैक्शन सीख के अपनी सभी विशेष को मैनिफेस्ट किया जा सकता है। इसका आंसर है नो। केवल लॉ ऑफ अट्रैक्शन को सोच के, को सीख के, प्रैक्टिस करके अपनी सभी विशेष को मैनिफेस्ट नहीं किया जा सकता है, क्योंकि और भी कई साइंस हैं, और भी कई एस्पेक्ट हैं, जैसे हमारा बिलीफ सिस्टम क्या है, हमारी सेल्फ इमेज क्या है, हमारी हैबिट्स क्या है, हमारी लीडरशिप क्वालिटी क्या है, हमारे पैटर्न्स क्या हैं, ये सब फैक्टर्स भी हमारे मैनिफेस्टेशन में मेजर रोल प्ले करते हैं। तो जब ये फैक्टर सपोर्ट करते हैं तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत अच्छे से वर्क करता है, जब ये फैक्टर सपोर्ट नहीं करते हैं तो रैंडमली कभी वर्क करता है, कभी नहीं वर्क करता है। इसी वजह से कई लोगों का लॉ ऑफ अट्रैक्शन रैंडमली वर्क करता है। अब हम लोग समझेंगे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन है क्या। इसको मैं बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में आपको कन्वे करता हूँ। कुछ प्रिंसिपल्स हैं जिनको समझ के आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की सोल को समझ सकते हैं। प्रिंसिपल नंबर वन, थॉट बिकम थिंग्स। हमारी जो सोच है वो मैनिफेस्ट होती है। हम जैसा सोच रहे होते हैं उसका हमारी लाइफ पे असर होता है। हम जो सोच रहे हैं उसका हमारी लाइफ पे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली असर होता है। वर्ड्स क्रिएट वर्ल्ड। हमारे जो शब्द हैं वो हमारी दुनिया बनाते हैं। तो हम लोग अपने विचार को चुन के, अपने शब्दों को चुन के अपनी न्यू रियलिटी को चुन सकते हैं। उसको हम बोल सकते हैं कि फ्रिक्वेंसी अट्रैक्ट फ्रिक्वेंसी। देखिए, जैसे कि हमें हमारे जैसे लोग बहुत पसंद आते हैं क्योंकि हमें लगता है ये तो बिल्कुल हमारे जैसा है, तो हम लोग उनको जल्दी समझ लेते हैं। ठीक उसी तरीके से हमारे हर सोच की एक फ्रिक्वेंसी होती है, और जिस तरह की फ्रिक्वेंसी को हम लोग कैरी कर रहे हैं हमारी लाइफ में, उसी फ्रिक्वेंसी की सिचुएशन को हम लोग अट्रैक्ट कर रहे हैं। अगर हम लोग दुखी फ्रिक्वेंसी पर हैं तो हम लोग, हमारा जो माइंड है वो उसी तरह की सिचुएशन को अट्रैक्ट करेगा। हमारे अंदर, हमारे माइंड में जिस तरह के थॉट की जो फ्रिक्वेंसी होगी उस तरह की सिचुएशन को हम लोग अट्रैक्ट करते हैं। तो अपनी फ्रिक्वेंसी चेंज करके, अपने थॉट की फ्रिक्वेंसी चेंज करके हम लोग अपने बाहर की सिचुएशन को चेंज कर सकते हैं। और इसको एक और तरीके समझ सकते हैं, उसको बोलते हैं इमोशन अट्रैक्ट सिचुएशन। आपके अंदर जैसा भाव है, जिस तरह का इमोशन है, उस तरह की सिचुएशन को आप अट्रैक्ट करते हैं। अगर आपके अंदर नेगेटिव इमोशन है तो वो नेगेटिव सिचुएशन को अट्रैक्ट करेगा। अगर आप खुश हैं, अपने आप को खुश रख पा रहे हैं,
अपने आप को हैप्पी रख पा रहे हैं, अगर आपके अंदर पॉजिटिव इमोशन है तो पॉजिटिव सिचुएशन को अट्रैक्ट करेगा। तो अपने थॉट्स को, अपने वर्ड्स को, अपनी फ्रिक्वेंसी को और अपने इमोशंस को, इन चार चीज़ों को कंट्रोल करके हम अपनी लाइफ को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं और अपनी डिज़ायर्ड सिचुएशन को हम लोग मैनिफेस्ट कर सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे कि ये जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, जो कि बहुत फेमस है, बहुत पावरफुल भी है, कैसे इसको यूज़ करें, इसको कैसे हम लोग यूज़ करके अपनी जो डीपेस्ट डिज़ायर है उसको मैनिफेस्ट कर सकते हैं। मैं आपको तीन स्टेप बताता हूँ। स्टेप नंबर वन, जो भी आपकी ना लाइफ की ज़रूरत है या जो भी आपकी डीपेस्ट डिज़ायर है, आप हर सुबह 3 से 5 उसको लिख दीजिए अपनी डायरी पे। जो भी आपकी डिज़ायर है, विश है, नीड है, उसको स्टेटमेंट में लिख दीजिए। एक बार सुबह लिख दीजिए और एक बार रात में सोने से पहले लिख दीजिए। और इसको अगर थैंकफुलनेस की प्रैक्टिस के साथ करेंगे तो इसके मैनिफेस्टेशन के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, क्योंकि जो थैंकफुलनेस की जो फीलिंग है वो एक पॉजिटिव फीलिंग है, और जो हमारा जो थैंकफुलनेस का जो वर्ड है वो भी मैनिफेस्ट होता है, क्योंकि हम लोग थैंकफुल तभी होते हैं जब कुछ हमें मिलता है। तो अगर हम लोग पहले ही थैंकफुल हो जाएंगे तो इसका मतलब हम लोग उस फ्रिक्वेंसी पर रेजोनेट कर रहे हैं जिस फ्रिक्वेंसी पर हम लोग जाना चाहते हैं। नंबर टू, आपकी जो भी डीपेस्ट डिज़ायर्स हैं उसको आप एक नोटपैड पे या एक येलो स्टिकी पेपर आता है उस पे आप लिख के आप या तो उसको दिन में 3 से 5 बार देखिए। जितना ज़्यादा आपका ध्यान उस पे जाएगा उतना ज़्यादा वो आपके थिंकिंग प्रोसेस में आएगा। और सिंपल सी बात ध्यान रखिए, थॉट बिकम थिंग्स या वर्ड्स क्रिएट वर्ड। जितना ज़्यादा आपके माइंड में वो चीज़ चलेगी उतना ज़्यादा वो आपके सबकॉन्शियस में जाएगी, वो फ्रिक्वेंसी यूनिवर्स में जाएगा और वो मैनिफेस्ट होता है। नाउ द स्टेप नंबर 3, जहाँ पे ज़्यादातर लोग गलती करते हैं। स्टेप नंबर 3 ये है कि इसको तब तक कंसिस्टेंटली करते रहिए जब तक आपकी जो विश है ना वो पूरी ना हो जाए। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब हम लोग वो सोचते हैं, जब उस थॉट प्रोसेस को फॉलो करते हैं तो वो वर्क करना शुरू करता है, फिर हमारा पेशेंस ख़त्म हो जाता है और हम उसको बंद कर देते हैं। तो जो हमारी लाइफ में जो चीज़ आ रही होती है वो रुक जाती है। तो इस प्रोसेस को शुरू कीजिए तो पूरे फेथ के साथ और पेशेंस के साथ तब तक करिए जब तक रिजल्ट आ ही ना जाए। अगर आप इसको इस माइंडसेट से प्रैक्टिस करेंगे तो ये इतना पावरफुल है कि रिजल्ट वो ला देगा। और इसके साथ साथ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ और भी जो साइंस होती है और भी जो चीज़ें हैं उसको भी सीखने समझने की कोशिश कीजिए। जितना आपका सेल्फ इमेज अच्छा होगा, बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग होगा, हैबिट्स स्ट्रांग होंगे, पैटर्न्स स्ट्रांग होंगे, लीडरशिप क्वालिटी अच्छी होगी, ये उतना अच्छे से वर्क करेगा आपके लिए। सो यहाँ तक आपने देखा उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। अगर आप हमारे लाइव सेशंस को अटेंड करना चाहते हैं तो नीचे लिंक दिया है, हमारे कम्युनिटी के मेंबर बनिए, हम वो आपको अपॉर्चुनिटी शेयर करेंगे। अगर आपको ये अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और इस पॉजिटिव एनर्जी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। बहुत बहुत थैंक यू।